हरियाणा के सोनीपत में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच हुई भयानक गैंगवार। एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के साथियों ने बम्बिहा गैंग को दिया 440 वोल्ट का झटका। इस बार बम्बिहा गैंग का खतरनाक गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भून दिया गया और वारदात पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले कहा था, मैं अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारूंगा। और दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। तो सवाल यह आता है दोस्तों, इस बार गैंगस्टर दीपक मान को क्यों गोलियों से भून दिया गया, क्यों हुआ ये भयानक गैंगवार। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आपको हम देंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुखा की हत्या के बाद इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से क्यों भून दिया। अभी कुछ समय पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, कनाडा के अंदर गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुखा को गोलियों से भुना गया था। उसका भी कनेक्शन बम्बिहा गैंग के साथ था। ना केवल इतना बल्कि उसका कनेक्शन खालिस्तानी संगठनों के साथ भी था। तो गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुखा को मारा गया था 20 सितंबर 2023 को। और दोस्तों आप सोच सकते हो, महीना भी नहीं बीता कि 1 अक्टूबर 2023 को गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भून दिया गया। बताया जा रहा है दोस्तों, इस बार हरियाणा के सोनीपत के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया है। अब सवाल यह आता है कि हरियाणा के सोनीपत के अंदर ये भयानक गैंगवार हुआ क्यों, क्यों गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भून दिया गया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा औकात वाला क्यों ना हो। अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश ठान लेते हैं कि इसे मारना है, तो उसे मार करके ही छोड़ता है। और इस बार दोस्तों कहा जा रहा है गैंगस्टर दीपक मान को इसलिए गोलियों से भून दिया गया क्योंकि दोस्तों साल 2020 की बात है, जब बताया जाता है गोल्डी बरार का भाई गुरलाल बरार को गैंगस्टर दीपक मान ने गोलियों से भून दिया था। और दोस्तों गोलियों से भूनने के बाद दीपक मान ने ये कहा था कि हम गोल्डी बरार को भी मारेंगे। दोस्तों ये बात लॉरेंस बिश्नोई को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। एक बार फिर से कहा जा रहा है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने प्लानिंग करा और गोल्डी बरार के प्लानिंग के तहत ही गैंगस्टर दीपक मान को हरियाणा के सोनीपत के अंदर गोलियों से भून दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, गैंगस्टर दीपक मान को ऐसी मौत दी गई है जैसी मौत मुझे लगता है दोस्तों किसी गैंगस्टर को नहीं मिलता होगा। बताया जाता है पहले गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भुना गया और उसके बाद जब वो मर गया तो उसके लाश को खेत में फेंक दिया गया। और दोस्तों इस कदर बताया जाता है, बाद में तो पशु पक्षी भी वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया, कुछ कुत्ते भी पहुंच गए, कुछ कौवा भी पहुंचना शुरू कर दिया। तो इस कदर मौत दिया गया दोस्तों, जिसको सुनकर बम्बिहा गैंग के बदमाशों का भी दिमाग हिल गया। इस बार कहा जा रहा है दोस्तों, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा शुरू हो गया है। न केवल इतना बल्कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग का ही चर्चा चल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले की बात है जब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि बम्बिहा गैंग के बदमाश सुखा की हत्या के बाद अब गोल्डी बरार को टपका देगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि बम्बिहा गैंग के बदमाश कोई प्लानिंग करे, इससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने काम निपटा दिया और गैंगस्टर दीपक मान को गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों अब कहा जा रहा है कि चारों तरफ से जितने भी बम्बिहा गैंग के बदमाश हैं वो लोग एक बार फिर से प्लानिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बार बार बम्बिहा गैंग का बदमाश देख रहा है कि वो लोग मरता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग अपना प्रयास बंद नहीं कर रहा है, वो लोग हार मानने को तैयार ही नहीं है। दोस्तों बम्बिहा गैंग के बदमाशों को एक एक करके चुन चुन कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश मारते जा रहे हैं। और बम्बिहा गैंग के बदमाश है कि एक बार मरने के बाद फिर दूसरा बदमाश सामने आ जाता है और धमकी दे डालता है। तो दोस्तों ये गैंगवार का कहानी जो कि पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है और पता नहीं आगे कितने समय तक चलती चली जाएगी, अब ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने बताया दोस्तों, आखिरकार गैंगस्टर दीपक मान को क्यों गोलियों से भुना गया, क्यों हरियाणा के सोनीपत के अंदर भयानक गैंगवार की वारदात को अंजाम दी गई है। हालांकि फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है हरियाणा पुलिस इस मामले का अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस मामले में कौन कौन गैंगस्टर शामिल था अब तक उसके बारे में कुछ भी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो देखते हैं हरियाणा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या क्या जानकारियां उपलब्ध करवाती है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, गैंगस्टर दीपक मान ने गोल्डी बरार का भाई गुरलाल बरार को गोलियों से भून दिया था और वही साल 2020 वाला बदला साल 2023 में लिया गया है। बस इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करना। बाकी दोस्तों मैं प्रत्येक वीडियो के आखिर में एक बात जरूर कहता हूँ कि भाई कभी भी गलत काम मत करो, किसी भी अपराधी का समर्थन मत करो,
ठीक है आपको गैंगस्टरों का वीडियो देखना अच्छा लगता है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन गैंगस्टरों की कहानी को सुनकर आप भी गैंगस्टर बनने की ठान लो, ये बिल्कुल गलत है, इसका परिणाम भी गलत होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, राम राम सारे भाइयों को, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और बस अच्छे से अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। जय हिंद, जय श्री राम।